साडे नाल जुड़े रहने दे लई यूट्यूब दा चैनल अमृत बाणी सेवा दल जरूर सबसक्राइब करो ते बेल बटन जरूर प्रेस करो ताकि तुहाडे तक साडी नवी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। सतगुरु जी कहिंदे मानुख बिन बूझे बिरथा आया। जे मनुख जन्म विच आके इस जीव ने अपने सिरजनहार प्रभु की पहचान ना कीती, सिरजनहार परमात्मा नाल इन्हें अपना संबंध ना बनाया, बाकी जूना की तरह खाण पीण पहनन पचरन दे विच ही लगा रहा, तो सतसंगत जन्म मनुख जन्म नहीं है। ये केवल शरीर करके मनुख जन्म मिलिया है, तो उस जीव न यह समझ ही ना पई कि मैं किस वास्ते संसार विच आया सी। आवन आए श्रेष्ठ मैं बिन बूझे पश ढोर। सतगुरु जी कहिंदे सृष्टि विच आ तां गए पर पहचानिया ही ना, तो पशुआं वर्गी ही बिरती रही, पशुआं वर्गी रह करतूत पशु की मानस जात, लोक बिचारा करे दिन रात। मनुख जन्म का मकसद इस देही दे विच दित्ती हुई वाहिगुरु जी की सुमत ते बुद्धि गुरु का ज्ञान प्राप्त करके अपने आपे की पहचान राही परमेशर नाल मिलाप करना है, अपने स्वय स्वरूप नूं पहचानना, निज स्वरूप नूं पहचानना, मैं कौन हाँ, कित्थों आया हाँ, कित्थे आया हाँ, कित्थे जाना है। इस गल नूं जाण वाले दा जीवन ही सफल है। सो इस देह जिहड़ी है, मनुख शरीर जिहड़ा है, जिहदे कोले पैसा बहुत है, कोठी चंगी है, पदार्थ बहुत ने, लोक चार पैसे प्रभता वेख के माण वड़ियाई दिंदे ने, तां साध संगत कोई सफल जीवन नहीं, क्योंकि वाहिगुरु जी दे दर उत्ते अमल प्रवान हुंदे हन। उत्थे नाम सिमरन सेवा पर उपकार सत संतोख दया धर्म तीरज शुभ गुणा ने ही मित्र बन के साथ निभाउणा है। गुरु कोलों ज्ञान लैके जीवन विच शुभ कर्मां दे धारनी ही ना होई तां फिर सतसंगत इस देह दा माण कादा है, निमाणी है। साची लिवै बिन लिव वाहिगुरु नाल नहीं जुड़ी। ते सतगुरु जी कहिंदे इस देह नूं सवारन वास्ते कोई होर थां टिकाणा नहीं है, कोई होर ढंग तरीका भी नहीं है कि इस मनुखा देह नूं कितों जाके सफल कर लिया जावे। ये इको ही थां है, गुरु का शब्द। तो गुरु का शब्द सतसंगत गुरुद्वारे के अंदर ही वरतदा है, क्योंकि जिथे गुरु का स्थान है, गुरु का टिकाणा है, जिथे गुरु जी विराजमान हैं, उत्थे आके ही ये शब्द की सांझ बनती है, ये शब्द सुनने वास्ते मिलता है। इसलिए सतगुरु जी ने जिथे शरीर रूप धारण करके अनेक मनुखां नूं मिलके आप खुद जा के शब्द नाल जोड़िया, उत्थे सच्चे पातशाह जी ने धर्मशालावां बना के उत्थे शब्द का प्रकाश किया। उत्थे गुरमुख जन शब्द नाल जुड़ियां होईयां रूहां दी सेवा लाई गई कि तुसीं सभना नूं इस शब्द नाल जोड़ना है। शब्द ही सच्चा मित्र है, गुरु दा उपदेश ही जीव दे नाल निभदा है, गुरु अपने उपदेश दे विच ही समाया होया है। इस लई सच्चे पातशाह जी तां दस जामे धारण करके संसार विच आए सन, यही मकसद सी उन्हां दा। असल विच जोड़िया पातशाह जी ने शब्द दे नाल ही है, जिस शब्द की कमाई सतगुरु नानक देव जी ने आप की और
भजन बंदगी दे विच्चों जो गुरु ज्ञान रब्बी ज्ञान शब्द प्रगट होया उसे शब्द दे नाल ही अपने सिख सेवकां नूं जोड़िया क्या कि जिवें मैं आप तरिया हाँ इवें भाई तुहाडा वी पार उतारा इस शब्द नाल जुड़ के ही होना है। सब तो वड्डी गल इह है कि सतगुरु जी ने कुछ भी लुको के नहीं रखिया कुछ भी गुप्त नहीं रखिया सब कुछ ही वंड दिता। सतगुरु जी का निश्चा है शब्द अखुट बाबा नानका खाहे खर्च तन माल खावै खर्चै रल मिल पाई तोट न आवै वध दो जाई। ये शब्द भंडार इस तरह का है इनू जिवें जिवें रल मिल के जीव खांदे ते खर्चदे हन ये तिवें तिवें वधदा है घटदा नहीं। बाकी दुनिया के तमाम पदार्थ हर वस्तु जिहड़ी है वह घट जाती है पर रब्बी ज्ञान नाम बंदगी जिहड़ी है जिवें जिवें मिल के वरतदे हैं इनू ये तिवें तिवें साध संगत वधदी ही जाती है ये खजाना कटन वाला नहीं है। सो ऐसी दात सतगुरु जी ने बख्शिश की है मनुख जन्म की सफलता वास्ते इस न होर थाओं ना ही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजों क्या करे वेचारिया। सो ऐसा ही उपदेश सतगुरु साहब जी ने अज दे पावन श्री मुख वाक दे अंदर बख्शिश कीता है।